ओके बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज के इस सेशन में। आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका फिजिकल एजुकेशन, जिसे हिंदी में हम शारीरिक शिक्षा बोलते हैं बच्चों, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे आपका फिजिकल का। जैसे कि आपको पता है कल यानी कि 5 अक्टूबर को आपका फिजिकल का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है, ठीक है, जिसकी तैयारी के लिए बच्चों ऑलरेडी हमने आपको 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर, जी हाँ 2 सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझा दिए थे। लेकिन बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर जी हमारा जो कल पेपर होने वाला है इसके लिए एक और सैंपल पेपर ले आओ ताकि तैयारी और अच्छी हो सके, ठीक है। तो स्पेशली आपके कहने पे इस वीडियो में हम अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर जो 3rd है इसको देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें एक ही सेशन में पूरा जो आपका ये पेपर है इसे हम यहाँ पे सॉल्व करके समझने वाले हैं, ठीक है। और आज के इस पेपर में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट भी है। अभी ट्विस्ट क्या है अभी 2 मिनट के अंदर ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कितने बच्चे सेशन में ज्वाइन है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अब देखिए ट्विस्ट क्या है, इसको जानने से पहले तो पेपर का पैटर्न देखो। आपका पेपर 3 घंटे का आएगा, 70 नंबर का, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अभी तक जो आपका पेपर का पैटर्न था उसमें क्या सीन था भाई कि 30 आपके क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन है ये आपके एक एक नंबर के MCQ वाले क्वेश्चन होंगे। 13 से 16 तक के आपके जो क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, और 17 से 26 ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, और 27 से 30 ये आपके 5-5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। अब ट्विस्ट ये है कि आज यानी कि 4 अक्टूबर को, जी हाँ 4 अक्टूबर को क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ है, जो पैटर्न हमने करवाया था उससे थोड़ा चेंज हो गया। तो इसके 99% बच्चों चांस हैं कि आपका 11th क्लास का कल जो पेपर होगा उसमें भी सेम यही पैटर्न आने वाला है जो क्लास 12th का आज आया है, ठीक है। अब क्या पैटर्न आने वाला है उसको ध्यान से समझ लीजिए। अब देखो पेपर आपका जो 5 खंड में डिवाइड होगा, अब क्वेश्चन की जो मार्क्स वेटेज वो बढ़ चुकी है, वो है आपके टोटल 37, जिसमें से 1 से लेकर 18 आपके जो क्वेश्चन है खंड ए में ये आएंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। खंड बी में आपके 19 से 24 ये आपके 2-2 नंबर के टोटल जो है आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, और खंड सी में 25 से 30 ये आपके 3-3 नंबर के लघुतरीय प्रश्न होंगे, और फिर खंड डी में 31 से 35 ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और खंड ई में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब आपका पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, ठीक है, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है, और इसके 99% बच्चों चांस है कि कल आपके 11th के पेपर में यही पैटर्न रिपीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे पेपर तो ऑलरेडी हमने आपके ओल्ड पैटर्न के हिसाब से बनाया है, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो पैटर्न हम आपको समझाने वाले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस याद रखना ये पैटर्न आपका आने वाला है, ठीक है, जिसमें कैसे क्वेश्चन होंगे 18 MCQ, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन, फिर 4 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन, 31, 32, 33 तीन होंगे बेसिकली 4 नंबर के, और फिर 5 नंबर के आपके ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसी तरीके का बाकी हम क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझेंगे अच्छी तरह, ओके। आ जाइए शुरुआत करते हैं, पूरे पेपर को समझेंगे। अब जितने भी बच्चे इन लाइव सेशन में अराउंड जो है 26 बच्चे जुड़ चुके हैं, वो सभी के सभी बच्चे अभी जिन हम 12 MCQ, क्योंकि ओल्ड पैटर्न है ना इसीलिए 12 इसमें MCQ होंगे, और नए पैटर्न के हिसाब से आपके 18 होंगे, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को, तो इन MCQ क्वेश्चन का आंसर आप भी कीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। आ जाइए MCQ को पढ़ेंगे और फिर आप आंसर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमें शारीरिक शिक्षा की एक परिभाषा दी गई है, हमें यह पहचानना है ये परिभाषा किस व्यक्ति की है। परिभाषा क्या है भाई, तो डेफिनेशन ये है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित जो अनुभवों के द्वारा जो भी परिवर्तन मानव में आते हैं उसे शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। अर्थात शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों के द्वारा जो भी परिवर्तन मानव में आते हैं उसे हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। अब ये कथन किसका है भाई, देखते हुए हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। ये कथन किसका है, NIM सजी 11th का फिजिकल का चैप्टर 1। देखिए अभी चैप्टर 1 या 2 बनाने का उतना टाइम बचा नहीं हमारे पास में, यहाँ पे आप सैंपल पेपर की तैयारी कीजिए, इससे काफी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। जितने बच्चे 22+ ज्वाइन है सारे बच्चे आंसर करेंगे इसमें, ठीक है, कि इसका कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों के द्वारा जो भी परिवर्तन मानव में आते हैं वही शारीरिक शिक्षा होती है, उसका क्या राइट आंसर होगा। गुलशन वेरी गुड, आपने राइट आंसर दिया है, जी हाँ। अभी सी वेरी गुड, ओके वेरी गुड, यहाँ पे कैसिडी का ये कथन है, किसका है, कैसिडी का कथन है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। कल आपका पेपर होने वाला है
और बहुत से बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे अभी एबसेंट है, अराउंड 50+ बच्चे ज्वाइन होते हैं लेकिन यहाँ पे अभी 20 ही आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो बच्चे मिस कर देंगे उनके लिए बहुत ज्यादा ये नुकसान वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है, जो मिस करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो है इनका जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो कौन है भाई आधुनिक खेलों के जन्मदाता? जी हाँ बच्चों, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं, ए, ठीक है, फैज रियान, वेरी गुड, अभी ए, वेरी गुड, गुलशन ए आंसर, वेरी गुड, राइट आंसर है आप सभी का, पीवीडी कोबर्टिन, इन्हीं को आधुनिक खेलों का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर कह सकते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका जो गठन है ये किस सन में हुआ था, 1925, 27, 20 या फिर 1929 में, किस टाइम पे भाई इसका गठन हुआ था? सारे बच्चे आंसर करेंगे, सुमन कुमारी, ए 1925, नहीं, फैज ध्यान 1927, वेरी गुड, अमन पाल, सजी ए होगा, नहीं ए नहीं है, इसका राइट आंसर है बी, अभी ऑल्सो राइट, राधिका आपका गलत है, गुलशन आपका भी गलत है, अमन आपका ठीक है, बी राइट है, 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था, कंप्लीट है। इसी तरीके से अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से आपका दो नंबर का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा, कैसे? क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए इनमें से किन सिद्धांतों किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अब पहले ये समझो कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का दूसरा नाम होता है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, आखिर ये तैयार किसके लिए की जाती है? तो ये उन बच्चों के लिए तैयार की जाती है जो CWSN की दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ कार्यक्रम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है अपनी जो जिस अपंगता से वो जूझ रहे हैं उससे वो आराम पा सके, ठीक है ना, उसमें निदान पा सके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है ऐसे कार्यक्रम को बनाने के लिए? तो सबसे पहला सिद्धांत होता है भाई चिकित्सा का परीक्षण, यानी कि ऐसे बच्चों के लिए जो भी नीतियां कार्यक्रम वगैरह बनाए जाते हैं पहले उनका चिकित्सक परीक्षण कर लिया जाता है कि क्या वो उस कार्यक्रम के अनुसार सही फिट है भी या नहीं है, क्या वो उसके करने के लायक है या नहीं है। फिर दूसरा आता है बच्चों इसमें कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी CWSN बच्चा, कोई भी CWSN स्टूडेंट अगर कोई भी कार्यक्रम कोई भी रणनीति उसके हिसाब से नहीं होगी तो उसमें भाग ही नहीं लेगा, तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसीलिए कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो और फिर जो भी कार्यक्रम रणनीति बनाई जाती है उसके लिए जो उपकरण चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो भी होने चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या बात है, पूरा चैट सेक्शन डी से वधी आप सभी ने, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। चलिए इंग्लिश में आ जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ था इसमें एक अथवा दिया गया है हमें, तो अथवा का क्वेश्चन क्या है, इससे भी आपका एक दो नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या है, शारीरिक क्षमता का क्या महत्व होता है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एबिलिटी व्हाट इज, तो क्या होता है, जब हमारी शारीरिक क्षमता अच्छी होगी तो हम लंबे समय तक जी सकते हैं, यानी कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है अगर ये इसमें हमारी जो फिजिकल एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी तो इससे हमारी जो जीवन आयु है वो थोड़ी बढ़ सकती है, ठीक है, हम थोड़े दो चार दिन महीने थोड़ा ज़्यादा जी सकते हैं, ठीक है। साथ ही यह हड्डियों और जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं इनको मजबूत बनाता है और साथ ही ये हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है और हमें एक अच्छा मूड देता है, यानी कि हमारा जो मन होता है ना उसको अच्छा बनाता है, मूड को अच्छा बनाता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? वेरी गुड, एक बार फिर से आप सभी ने राइट आंसर दिया है, अमल, नरेंद्र, सुमन और गुलशन, वेरी गुड, फैजल दियान, डी आंसर है, जी हाँ डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर, कंप्लीट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 MCQ एक बार में पता चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें हमसे पूछा गया है प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में कथनों पर विचार करना। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी बच्चों ये हुई थी 776 BC में, तो याद रखेंगे प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 BC में। जो देवता थे किसके सम्मान में खेले जाते थे? जीवस के सम्मान में खेले जाते थे। इन प्राचीन ओलंपिक खेलों में केवल और केवल जो यूनानी लोग होते थे यही भाग ले सकते थे और साथ ही इनको 394 AD में बंद कर दिया गया। इन खेलों को किसके द्वारा? रोमन के राजा थे जिनका नाम था थियोडोसिस एक, इनके द्वारा इन प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया। तो अब आपसे अगर पेपर में पूछा जाए प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई 776 BC में, किस देवता के सम्मान में खेले जाते थे,
जीवस कौन भाग लिख सकता था, केवल यूनानी बंद कब हुए, 394 एडी किसके द्वारा, रोमन के राजा नाम क्या था, थियोडोसियस ए। मतलब क्या हुआ, इसके जो सभी के सभी आंसर हैं, ठीक है ना, सभी के सभी विकल्प जो हैं ये राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा एकदम करेक्ट बैठेगा। ओके, अब इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एशियंट ओलंपिक गेम्स, इसमें बिगनिंग कैसे होती है और बाकी की सारी बातें क्या है वो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट हैं, आप इजीली यहाँ से डाउट कर सकते हैं, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना। इसमें बहुत से बच्चे बेसिकली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, मतलब कि भटकने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, वसा अस्थि यानी कि बोन मटेरियल, ठीक है, यानी कि हमारी हड्डी बोल सकते हैं, तो वसा अस्थि जल और मांसपेशियों का जो प्रतिशत है ये मानव शरीर में क्या कहलाता है। ठीक है, इसको भाई मानव शरीर में क्या बोलते हैं, सारे बच्चे आंसर करेंगे। ओके ठीक है, बच्चे आंसर कर रहे हैं, सजी सी होगा इसका, शक्ति बोलते हैं। नहीं, सुमन कुमारी गलत है, विवेक का आया है ए, वेरी गुड, फैज का भी ए आया है, विकास यादव आप तो 12th के स्टूडेंट हो, यहाँ पे 11th में भी आंसर दे रहे हो, चलिए बढ़िया बात है। राधिका रावत आपका भी ए है, अमन का भी ए है, चलिए ए राइट है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, शरीर की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या फिर बॉडी कॉम्पोजिशन ये बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जो कि हमारे शरीर के फैट बोन वाटर एंड मस्कुशल जो मसल्स होती हैं इसको बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, कि किसी भी प्रकार का जो भी खेल प्रबंधन है यानी कि जो भी स्पोर्ट मैनेजमेंट होता है इस ये किस पे आधारित होता है। ठीक है, क्या ये कमजोर और लालची अधिकारी पे आधारित होगा, क्या ये कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी पे आधारित होगा, या फिर चतुर और चालाक अधिकारी, या फिर इनमें से किसी पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो किस पर आधारित होता है भाई खेल प्रबंधन, आंसर करेंगे सारे बच्चे, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। वेरी गुड, बी राइट आंसर है, वेरी गुड। जो कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, इफिशियंट एंड टैलेंटेड, उन्हीं पर स्पोर्ट मैनेजमेंट जो है ये बेस्ड होता है, आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे आता है इसमें अथवा वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि डाउटनेट लग मतलब डाउट करेगा आपको। क्वेश्चन क्या है कि खेल और युवा मामलों का जो हमारा भारतीय मंत्रालय है, इसने खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की थी। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 2012 में, 2017, 2010 या फिर 2019 में, कब शुरुआत हुई थी भाई। ठीक है, वैसे ध्यान कहने की सर जी 2019 में हुई थी, नहीं 2019 में नहीं, नरेंद्र कौर सर जी 2012 में हुई थी, नहीं 2012 में भी नहीं हुई। ठीक है, देखिए इसलिए मैंने बोला सा आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेके भटक सकते हैं, देखिए आपकी जो किताब है उसमें आंसर दिया गया है 2017, ठीक है, इवन सपोर्ट मटेरियल में 2017 है, लेकिन अगर आप गूगल के माने तो उसमें दिया गया है 2018, तो हम यहाँ पे गूगल या फिर उसकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी किताब की बात मानेंगे जो कि 2017 है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट बैठेगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बी राइट है। आगे आ जाते हैं इंग्लिश में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो योग सूत्र है आखिर इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो योग सूत्र की रचना या तो वेदव्यास के द्वारा या फिर महर्षि पतंजलि, इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने की है। ठीक है, तो किसने किया भाई एक योग सूत्र की रचना। ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर जी डी है इसका आंसर, महर्षि पतंजलि, नहीं, ये की है बच्चों महर्षि वेद व्यास जी ने। ठीक है, योग सूत्र की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है। ठीक है, देखते हैं एक बार बच्चे क्या आंसर करते हैं इसका। ओके डी है, क्या बात है, मुझे लग ही रहा था कि बच्चे यहाँ पे आंसर जो है सही करेंगे। ओके डी राइट आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, वेद व्यास नहीं बल्कि कौन है, महर्षि पतंजलि। मैं यही देखना चाहता था कि आप बच्चे अपने ऑप्शन पे अडिग रहते हैं या नहीं रहते हैं, है ना। डी राइट आंसर है, वेरी गुड, डी राइट आंसर है, इसकी रचना किसने की थी, महर्षि पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। आगे यहाँ पे जो है बच्चों, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब इसको तो समझना बहुत ही आसान आपके लिए, क्या है कि एक ऐसे सिचुएशन, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन संबंधी जो क्रियाएं हैं इनको करने में से मुश्किल आती है, या फिर वो उनको सही प्रकार से अपनी दैनिक क्रियाओं को कर नहीं पाता, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या ऐसे सिचुएशन को हम विकार बोलते हैं, विकलांगता बोलते हैं, या फिर किसी प्रकार की अक्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ऐसी स्थिति को भाई।
ओके, राइट आंसर है सी, अक्षमता। बिल्कुल राइट है, अक्षमता बोलते हैं ऐसी स्थिति को, ऐसे सिचुएशन को जिसमें कोई व्यक्ति अपने डेली रूटीन के जो काम है वो नहीं कर पाता है, फिर उसे कठिनाई आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डिसेबिलिटी। यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए ये जो है वर्ड यूज नहीं होगा, विकलांगता के लिए कुछ और आना चाहिए, है ना। चलिए अब ये जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही की परिभाषा की पहचान कीजिए, इसमें से आपका एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पहले हमसे पूछा गया है शारीरिक क्षमता क्या होती है, तो देखिए शारीरिक क्षमता में क्या परिभाषा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब वह अपने दैनिक कार्य को बिना किसी थकावट के निपटाने का सामर्थ्य करता है उसको बोलते हैं। अर्थात यह क्षमता ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति, अपने दैनिक कार्य को बिना थकावट के करता रहता है। तो योग्यता क्या है, तो योग्यता किसी व्यक्ति की एक ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे अपने जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं, इसको सुयोग्यता बोलते हैं। और स्वास्थ्य क्या है, दैहिक यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, जिसे कोई भी प्रकार की शरीर में समस्या नहीं होती है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। तो याद रखो बच्चों, अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि शारीरिक क्षमता क्या है तो आप ये एक्सप्रेशन बताना, योग्यता क्या है स्वास्थ्य का ये आप ये बताना। वैसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो आपका फिजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है, एंड वेलबींग एंड हेल्थ ऑल इज राइट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन 10 आ जाता है भाई, ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यह एक ऐसी योग्यता है बच्चों जो कि व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वो विभिन्न प्रकार की गति क्रियाएं सुचारू रूप से कर सके और प्रभावशाली ढंग से कर सके, यानी कि ऐसी योग्यता जिसके माध्यम से व्यक्ति कई सारी क्रियाओं को एक साथ और अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, और अगर क्रिया को वो चेंज भी करता है तो भी वो बिना ज्यादा समय लगाए, एकदम कम समय में उसको जो है बिना असंतुलित किए हुए, संतुलन के माध्यम से हर एक क्रिया को कर सकेगा, चेंज भी करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों तालमेल संबंधी योग्यता है। एक क्रिया से दूसरी क्रिया में कन्वर्ट होना बिना किसी असंतुलन के, उसको बोलते हैं तालमेल संबंधी योग्यता है। ठीक है, तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे कहने की लचक होगा, नहीं सर लचक नहीं होगा, ए राइट होगा आपका इसका कंप्लीट। चलिए अब इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, एक हमारा अभिकथन है, अभिकथन ए, एक कारण है, कारण था। तो अभिकथन हमारे क्या कहता है कि एक स्वास्थ्य आहार जो है ये एक अच्छी जीवन शैली के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो कि एक स्वास्थ्य आहार जो है हमें ताजा फलों से, ताजी सब्जियों से, साबुत अनाज से और कम वसा वाले जो डेयरी उत्पाद हैं इनसे मिलता है। ठीक है, एक स्वास्थ्य आहार जो कि जीवन शैली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण में क्या है, कारण में है कि एक सकारात्मक जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए एक स्वास्थ्य आहार आवश्यक है। देखो कारण में क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य आहार हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, सकारात्मक जीवन शैली के लिए। और कारण क्या कहा गया है, मतलब अभिकथन में क्या कहा गया है कि ये हमें प्राप्त कैसे होता है, यानी कि अभिकथन भी ठीक है और कारण इसकी जो व्याख्या करता है वो भी सही है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला, सॉरी डी नहीं, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट बनता है बच्चों, कंप्लीट है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, वंस असेशन ठीक है, रीजन ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपकी राइट बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसलिए आपका ए जो है ये राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको संबंध में, इसके संबंध बेसिकली जो सैंपल नंबर 2 था उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, तो उसमें क्या था कि एक गलत था, ठीक है, और उसमें से हमें चयन करना था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना है, इन्हें पढ़ना है, फिर हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ओके, एक बार ही ठीक है। चलिए देखिए क्या है, जो नैतिक षटकर्म है ये क्या करती है, ये हमारे नासिक मार्ग को साफ करती है, साथ ही नासिक मार्ग को शुद्ध करने की क्रिया है। धोती क्या करती है, ये आहार नली की सफाई करती है पाचन तंत्र के संबंध में। नौली क्या करती है, ये आमाशय के अंगों की मालिश एवं सशक्तिकरण करती है। और त्राटक क्या है, ये गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया है जो कि हमें एकाग्रता की शक्ति के लिए प्रेरित करती है।
यानी कि देखो आपसे तीन नंबर में दो नंबर में पूछा जाए षटकंद क्रिया यौगिक क्रियाओं के एक दो का वर्णन कीजिए, तो नैति नौली धौती और त्राटक इन तीनों का इन चारों का वर्णन कर देना पूरे नंबर मिल जाएंगे। वेल ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका अमन आप एक ही बार आंसर कीजिए, ठीक है, बच्चे भी आपसे कह रहे हैं कि एक ही बार आंसर कीजिए फिर उनको भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो वो डी राइट हो जाएगा। अब इसी तरीके से इंग्लिश में आएगा नैति राइट, नैति जो है ये राइट है, धौती भी राइट है, नौली भी राइट है और त्राटक भी राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। वेल आप सभी को जो 12 एमसी के क्वेश्चन थे आई होप आपको ये पता चल गए होंगे। अब देखो जो आपका जहाँ तक कल के पेपर के पैटर्न की बात है तो उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि पेपर में आएंगे आपके 18 एमसीक्यू, क्योंकि जो पैटर्न 12th का है उसी हिसाब से आपके सारे पेपर बनते हैं, है ना, जो पहले हो जाता है उसी के हिसाब से। तो 1 से 18 जो आपके क्वेश्चन है ये एमसीक्यू होंगे, तो वैसे तो हमने 12 ही किए हैं लेकिन पैटर्न आपका इसी तरीके का है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एमसीक्यू में ना आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको कुछ चित्र दिए जाएंगे उनमें पहचानना होगा कि कौन सा क्या क्या है, ठीक है। तो अब आपसे मैं ये पूछता हूँ, आपको बताना है कि ये जो का वाला है, ठीक है, का में ये बेसिकली षटकर्म यौगिक क्रिया है, तो ये किस यौगिक क्रिया को दर्शाता है जो का वाली है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। ओके, का वाली जो क्रिया है इसको क्या बोलते हैं, कितने बच्चे आंसर करेंगे इसको देखते हैं एक बार। ओके, कितने बच्चे आंसर करते हैं। क्वीन ऑफ हार्ट्स सर जी आंसर की कब तक आएगी, और देखते हैं आंसर की का क्या करना है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी कल 11th का पेपर है ना, उनकी भी तैयारी करनी है। ध्यान योग, हाँ ध्यान योग ही है लेकिन इसका नाम क्या है षटकर्म में, ठीक है, षटकर्म एक नाम है, षटकर्म में एक नाम है जिसको बोला जाता है बच्चों कपाल भाति, क्या बोलते हैं इसको कपाल भाति, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको कपाल भाति बोलते हैं, ऑप्शन तो इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। चलिए लगता है आपको 11th का याद है इसीलिए आप बता रहे हैं ना। चलिए अब ये जो खा वाला है बच्चों, खा वाला बताएंगे कि ऑप्शन बी जो है ये किसको दर्शाता है, अभी हमने एमसीक्यू में किया था ना, इसको क्या बोलते हैं त्राटका मयूर, क्या नाम है काजला, वेरी गुड। हर्ष ठाकुर नमस्ते गुरु जी, नमस्कार नमस्कार, ठीक है, और बच्चे आंसर करें अभी, त्राटका वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। यहाँ पे जो आपका खा है ये किस चीज को दर्शाता है भाई, ये दर्शाता है त्राटका को। त्राटका क्या किस लिए उपयोग किया जाता है, त्राटका जो है त्राटक कह सकते हैं जिसे हिंदी में, गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया है जो कि हमारी एकाग्रता की शक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा गा वाला ये क्या दिया हुआ है, जो गा वाला पार्ट है इसको ये कौन सी क्रिया है भाई, गा वाला पार्ट कौन सी क्रिया है, देखते हैं कितने बजे आंसर करते हैं गा वाले पार्ट के लिए। ओके, गा वाले पार्ट के लिए सिनु झा धोती मयूर, क्या नाम है कुंजल, नहीं कुंजल नहीं है, विवेक ताटका नहीं, वामन धोती नहीं, नौली, ये बेसिकली गा जो है बेसिकली ये आपकी धोती क्रिया है, कौन सी क्रिया है धोती क्रिया है, और ये धोती क्रिया किस उपयोग में आती है, अभी आपको मैंने बताया था ये हमारी जो आहार नली है इसकी सफाई में काम आती है, ठीक है। अब सबसे आखिरी आ जाता है बच्चों डी वाला, यानी कि घा जो है ये किस क्रिया को दर्शाती है, हर्ष ठाकुर गुरु जी मेरे ज्योग्राफी में 70 में से 60+ नंबर आए थे और आपकी और मेरी मेहनत से कल स्कूल में मेरी तारीफ भी हुई थी स्कूल टीचर ने ज्योग्राफी के पेपर में, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सिनु जी आपका आंसर राइट है। ओके, अब इसको देखते हैं, गुलशन राइट आंसर आया आपका, ठीक है बिल्कुल राइट आंसर आया आपका, क्वीन ऑफ हार्ट आप भी आंसर कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है वैसे तो, ठीक है क्योंकि आप वैसे तो 12th के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आंसर करें तो ठीक ही है। यहाँ पे आपका जो 4th ही आ जाता है नॉली, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाके अपने इंग्लिश की तैयारी करो इसको स्किप करके, ठीक है ना, आपका डी जो है ये आपका यहाँ पे घा राइट आंसर हो जाए, ठीक है नॉली। आ जाइए आगे बात करेंगे, अब देखो यहाँ से जो है ना आपके 14 से लेके 16 ये जो आपके तीन क्वेश्चन है ये दो दो नंबर के होंगे जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही आसान भी है। क्वेश्चन 14 क्या है बच्चों, ध्यान का खेलों में क्या योगदान होता है, तो ध्यान का खेलों में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहला तो जब हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना, तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है, खेल खेलने में हमारी एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही साथ ध्यान लगाने से हमारा मन और हमारा जो शरीर है
इसको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। आप कभी थके हुए हो ना, तो आप आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए, जैसे यहाँ पे पहले योगी मुद्रा में नहीं बैठते हैं, उस मुद्रा में बैठ जाइए, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा थकावट से आराम मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी। ठीक है, ध्यान लगाने से तनाव दूर होता है, आप कई बार चिंता में पड़ जाते हैं या फिर आपको कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली फिजिकली, जैसे डिस्टर्ब है आप उसकी जगह क्या करो, ध्यान लगाओ। ठीक है ना, ध्यान एकत्र करो और उससे आपको जो भी तनाव होगा आप उससे दूर होंगे, साथ ही आपका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, ये भी सही से काम करेगा। इवन ध्यान लगाने से हम अपने गुस्से पर भी काबू पा सकते हैं। ठीक है, ये कार्तिक सिंह कह रहे हैं कि सर जी क्लास 11 का हिंदी पेपर प्लीज, ऑलरेडी अपलोडेड है बच्चों चैनल पे, आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान का खेलों में ये योगदान होता है। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिटेशन इन स्पोर्ट, तो क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन मेडिटेशन का स्पोर्ट में, तो आप इजीली इन सभी पॉइंट को यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। कंप्लीट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विकार किसे कहते हैं। तो विकार का जो परिभाषा है वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि कोई भी रुकावट या कोई भी ऐसा विघटन जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की किसी भी क्रिया को करने में मुश्किल आती है या फिर वो सही से नहीं कर पाता है, इसको विकार बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली यह सामान्यतः तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे संबंधित होता है, और कोई भी विकार ना शुरुआत में एक छोटी सी समस्या होती है, ठीक है, लेकिन धीरे 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 करके वो एक विकार बनता है और विकार बाद में जाके एक अक्षमता के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, इसीलिए समझ गए। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज कॉल्ड डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर क्या है और ये आखिर इसके लिए क्या पॉइंट हम यूज करते हैं, वो भी आप यहाँ से इजीली आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हमारे अथवा वाले क्वेश्चन, यानी कि अथवा क्वेश्चन होगा बेसिकली। क्वेश्चन ये है, सहन शक्ति किसे कहते हैं तथा इसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो सहन शक्ति किसे कहते हैं भाई, किसी भी कार्य को या फिर किसी भी क्रिया को जब कोई भी व्यक्ति एक लंबे समय तक करता है और उसे करता ही जाता है, जारी बनाए रखता है, उसको संभालने की जो योग्यता है वो सहन शक्ति होती है। यानी कि मान लेते हैं आपका पढ़ने का जो टाइम पीरियड है वो है मात्र मान लीजिए 1 घंटे का, लेकिन फिर भी आप 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे या फिर मान लेते हैं कि 2 घंटे तक पढ़े जा रहे हैं और आप अपने मेंटली जो है वो उसको बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ भी रहे हैं, तो ये जो आपकी क्षमता होगी ना इसको बोलेंगे हम सहन क्षमता। या फिर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, होमवर्क किए जा रहे हैं, हाथ दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी होमवर्क किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है भाई, कल चेक नहीं होना है तो प्रैक्टिकल में नंबर नहीं लगेंगे फाइल में कुछ, तो इस क्रिया को बोलते हैं सहन शक्ति। अब इसे 2 भाग में बांटते हैं, एक तो होती है अल्प अवधि के लिए और एक होती है लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि बहुत टाइम तक, अल्प यानी कि कुछ ही टाइम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका ये वाला। अब आसन और प्राणायाम इनको परिभाषित कीजिए। तो आसन जो है बेसिकली, ये आसन जो है ये योग यानी कि योगा की विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं। ठीक है, यानी कि पोस्चर है बेसिकली योगा के। अब पतंजलि के अनुसार वो कहते हैं कि लंबे समय तक एक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को ही आसन कहा जाता है। फिर प्राणायाम आता है, तो प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्राण जिसका अर्थ होता है जीवन ऊर्जा और दूसरा है आयाम जिसका अर्थ होता है नियंत्रण। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी श्वास पर प्रश्वास पर नियंत्रण करता है उसको प्राणायाम बोला जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका आसन और प्राणायाम के बारे में, कंप्लीट है। अब इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज एंड्योरेंस एंड हाउ मेनी स्पोर्ट्स कैन इट बी डिवाइडेड इनटू, और बेसिकली एंड्योरेंस क्या है पढ़ लीजिए, डिफाइन आसन एंड प्राणायाम। तो आसन और प्राणायाम क्या क्या होते हैं आप यहाँ से पढ़ें, ये आसन है और ये आपका प्राणायाम के बाद। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, अब यहाँ से शुरू होंगे हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन, लेकिन आपके नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें 18 तक तो आपके एमसीक्यू ही आने वाले हैं। ठीक है ना, 18 तक, लेकिन देखिए आपके लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन को कर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 17 जो है ये एमसीक्यू वाला है हमारा, वैसे आप में तो एमसीक्यू तो 18 तक आने ही आने हैं ना, तो वो चीज़ है। तो इस ओलंपिक ध्वज को समझिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इससे। ओलंपिक ध्वज में जो सबसे पहला रंग है ये हमारा है बेसिकली ब्लू, ठीक है, दूसरा जो रंग है ये हमारा है ब्लैक और तीसरा जो रंग है ये हमारा है रेड, जो कि ओलंपिक ध्वज में ऊपरी छल्ले में आता है। ठीक है ना, ऊपरी उसमें, उसके नीचे आ जाता है हमारा यहाँ पे येलो और एक आ जाता है हमारा ग्रीन जो कि निचले छल्ले में आते हैं। अब यहाँ पर ओलंपिक ध्वज में टोटल 5 छल्ले होते हैं और ये 5 छल्ले जो हैं वो 5 महाद्वीपों के महाद्वीपों को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं।
एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं, तो आपको बता दिया मैंने 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक प्रतीक के छल्लों में छल्ले के जो रंग हैं इसमें शामिल नहीं है, तो नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये 5 शामिल हैं। नीला तो शामिल है लेकिन सफेद शामिल नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे ए वाला जो है ये आंसर यहाँ पे इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हर्ष ठाकुर गुरु जी क्वेश्चन भी पूछिए। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी। ओके, अब देखो यहाँ पे तीसरे का आंसर बताओ। ठीक है, तीसरे का आंसर बताओ, आपको बस एक आंसर बताना है कि जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, ठीक है, ओलंपिक प्रतीक का जो आदर्श वाक्य है इसमें टूगेदर शब्द जो था ये कब जोड़ा गया था। ठीक है, टूगेदर शब्द जो था ये कब जोड़ा गया था, अगर आपको पता है तो सारे बच्चे बताएंगे, बाकी तब तक क्वेश्चन को पढ़िए। ओलंपिक प्रतीक के बाद में कौन सा सही है, इसमें 5 छल्ले होते हैं और 5वें छल्ले जो है वो 5 महाद्वीपों के खिलाड़ियों की एकता का प्रतीक है। बिल्कुल ठीक है। एंड देन यहाँ पे आदर्श वाक्य में सबसे पहले सिटीएस, आरटीएस और फोर्टीएस ये थे, लेकिन एक टाइम आया जब इसमें एक और वर्ड जोड़ा गया था टुगेदर, ठीक है ना, तो 4 इसमें आदर्श वाक्य में जोड़े गए थे। ठीक है, तो कोई है जो बता सकता है कि इसमें टुगेदर शब्द बेसिकली कब जोड़ा गया था। ओके, ओके, एक बच्चा जिसने आंसर किया है यहाँ पे वो वैसे तो 12th का बच्चा है, अब 20 जुलाई 2021 को। ओके, एक बार मैं चेक करता हूँ 20 जुलाई है कितना है। ठीक है, यहाँ पे तो बताता है कि अगर गूगल की माने तो ये 23 जुलाई की बात हुई है। ठीक है, वैसे आपकी जो किताब है एक बार उसमें भी चेक करते हैं। ओके, वैसे देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया है इसका एक बार। तेईस जुलाई 2021 क्या नाम है इनका, भानुमती देवी, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर है आपका ये 23 जुलाई 2021। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे हम बात करते हैं अपने जो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन है उसकी, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक सिंबल, तो 5 हैं। कौन कौन से कलर इसमें ऐड नहीं है, तो ब्लू तो ऐड है बट इसमें व्हाइट यहाँ पे मिला दिया गया इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, तो ए बी सी सभी करेक्ट है, यहाँ पे डी राइट है। चलिए अब ये जो है ये वाला क्वेश्चन तो वैसे भी हम कर ही चुके हैं तो करने की जरूरत है नहीं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 से हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे ये होंगे हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन जो हैं इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या उद्देश्य ये बताएं। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया, जो भी इसको पढ़ने वाला बालक या विद्यार्थी या व्यक्ति है उसका शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से उसको स्वस्थ बनाना। ठीक है, साथ ही उस बच्चे के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, छात्र के अंदर नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास करना जिससे कि वो दूसरों के साथ में हिल मिलकर खुशी से रह सके और एक भारत का अच्छा नागरिक भी बन सके। इन गुणों का विकास किया जाए, नैतिक और सामाजिक गुणों का। साथ ही इसका लक्ष्य होता है सर्वांगीण विकास को करना। उसके बाद इसके माध्यम से ज्ञान भी बढ़ता है तथा व्यक्ति जो है वो स्वस्थ भी रहता है। तो यहाँ पे ये सारे हमारे ऑप्शन राइट है, यानी कि ऑप्शन की क्या बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू तो है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही है। तो इस तरीके से आप बता देंगे शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर का अगला क्वेश्चन है, अथवा मैं रूपांतरित, यानी कि जो हमने अनुकूलित शारीरिक शिक्षा की बात की थी ना CWSN बच्चों के लिए, तो आपको इसके कोई 6 उद्देश्य बताने। ठीक है, इसके कोई 6 उद्देश्य आपको यहाँ पे बताने हैं, आ जाइए देखते हैं। देखिए रूपांतरित या फिर अनुकूलित जो शारीरिक शिक्षा है इसके क्या क्या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला उद्देश्य बच्चों शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, इनके लिए CWSN बच्चों के लिए। ठीक है, CWSN बच्चों के लिए ऐसे क्रियाओं को बनाना जिससे कि उनके गामक कौशल को विकसित किया जा सके, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है।
है ओके। उसके बाद इससे क्या होता है, इस शिक्षा से जो CWS में बच्चे हैं इनके आत्मसम्मान में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी विकसित वृद्धि होती है बेसिकली। साथ ही शरीर यांत्रिकी यानी कि उनका जो बॉडी नर्वस सिस्टम है उसके संबंध में उनके ज्ञान को बढ़ाता है, साथ ही उनकी खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करता है, इवन उनका सामाजिकरण विकास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट खेल भावना को बढ़ावा दे के उनके अंदर जो एक भावना होती है ना कि हम भी अपंग हैं विकलांग हैं ठीक है ना, हम CWSN इसलिए हमारा कोई सम्मान नहीं होता, हम खेल नहीं खेल पाते, तो ऐसी भावना को रोका जाता है इसके माध्यम ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों रूपांतरित या फिर अनुकूलित सारी शिक्षा का उद्देश्य। इंग्लिश में आ जाएंगे, राइट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद राइट एनी सिक्स पर्पस ऑफ मॉडिफाइड और अडेप्टेड बॉडी या फिर एजुकेशन ठीक है। तो क्या क्या है भाई इसके बारे में आप यहां से इजीली अपने पॉइंट को रीड आउट भी कर सकते हैं ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया है योग का अर्थ बताइए तथा योग के जो शारीरिक महत्व हैं आपको इसका वर्णन करना है। आ जाइए अंदर अंदर कॉल करें कि सर जी वीडियो कब एंड होगी। वीडियो अराउंड आपकी 3:30 पे ठीक है ना, 3:30 बजे के आसपास एंड होगी ठीक है, क्योंकि अभी हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए परिचय की बात आती है। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द युज से हुई है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना ठीक है, जोड़ना या फिर मिलाना। पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधी ही योग है, महर्षि वेद व्यास के अनुसार योग समाधि कुछ ऐसा है, इनको आपको याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं। हाँ MCQ में आ सकता है कि पतंजलि ने योग को क्या कहा गया है, महर्षि वेद व्यास ने क्या कहा कुछ है ओके। अब योग के शारीरिक महत्व की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ योग। योग करने से क्या होता है, सबसे पहले तो हमें तनाव में कमी आती है, यानी कि हम किसी प्रकार की चिंता करते हैं टेंशन लेते हैं उसमें कमी आती है। साथ ही जब तनाव में कमी होगी तो हम पूर्ण रूप से अपनी एकाग्रता जो है अपने ध्यान करने की जो शक्ति उसको पा सकते हैं, यानी कि एकाग्रता में वृद्धि होती है। साथ ही हमारे श्वसन अंगों को ये शुद्ध करता है, इवन ज्ञान इंद्रियों पर हमारी पकड़ जो है ये भी मजबूत होती है इसकी वजह ठीक है। उसके बाद शरीर को आराम मिलता है, देखो योग करते हो ना तो शरीर को आराम भी मिलता है, एक अच्छा आकार मिलता है, शरीर जो है अच्छा मजबूत सुडौल बनता है ठीक है, विभिन्न बीमारियों को ये दूर करता है और साथ ही हमारे अंदर जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको और ज्यादा विकसित करता है। तो ये कुछ महत्व हैं योग के आपके शारीरिक तौर ठीक है। चलिए आगे बात आ जाती है इसके इंग्लिश मीडियम की। अच्छा एक और था कि मोटापा घटता है और शरीर स्वस्थ होता है और स्वास्थ्य सुधरता है, ये कुछ ऐसा ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योगा, तो योगा की मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन पतंजलि के अनुसार, महर्षि वेद के अनुसार, और फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ योगा क्या है इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट दिए गए, आप रीड आउट कर सकते हैं ठीक है। ठीक है पवन राजक लाइव सही से नहीं दिख रही है सर जी, देखिए लाइव अगर सही से नहीं दिख रही है तो आप अपने फोन की जो क्वालिटी उसको बढ़ाओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ाओगे। फोन की क्वालिटी के लिए आपको क्या करना है, आपको जब वीडियो पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक 3 डॉट मिलेगा ठीक है ना, इस तरीके का 3 डॉट, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे जाना एडवांस पे जाके क्वालिटी पे सेट कर देना 1080 ठीक है। और यहाँ पे मैं 60 FPS वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि PC काफी ज्यादा हाई लोड उठाता है इसीलिए ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर आप कोई कमी आती तो आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर दिया ओके। फिर आता है बच्चों 21, ओलंपिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। ओलंपिक मूल्य कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के ओलंपिक मूल्य होते हैं जिसमें से सबसे पहले बच्चों श्रेष्ठता, इंग्लिश में एक्सीलेंस बोलते हैं, फिर आदर यानी कि रिस्पेक्ट, और मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप। तो श्रेष्ठता की जहाँ तक बात नहीं, ओलंपिक खेल का मूल्य में सबसे पहला श्रेष्ठता जो कि क्या दर्शाता है कि खेल में ही नहीं बल्कि उस खिलाड़ी की पेशेवर आम जिंदगी में भी उसे सर्वोत्तम करना चाहिए ठीक है। अर्थात महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम खेल में जीते या हारे, महत्वपूर्ण ये है कि तुमने खेल में संघर्ष किया, तुमने जीवन में संघर्ष किया। इसके माध्यम से क्या होता है, जब वो इसके अंदर भाव आ जाता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने खेल में भाग लिया, जीते या नहीं जीते वो मैटर नहीं करता, तो इससे क्या होता है शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर इच्छा शक्ति के तौर पर वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को आनंदित महसूस करता है। फिर आदर की बात आ जाती है, इसके तहत आत्मसम्मान, दूसरों का आदर करना, प्राकृतिक वातावरण व नियम विनियमों का सम्मान इसमें शामिल है, यानी कि देखो पहले तो खुद का आत्मसम्मान इसमें शामिल आ जाता है, जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनका एक दूसरे के प्रति आदर करना ठीक है, प्राकृतिक वातावरण व नियम विनियम का पालन करना, जो भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं ठीक है ना खेल के लिए उनका पालन करना,
और इवन जो एनवायरमेंट है इसको भी सुरक्षित करना, ये कुछ पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात आ जाती है इसमें मित्रता की। तो मित्रता जो है ना ये किसी भी ओलंपिक खेल का एक सार या फिर कह सकते हैं केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि जो भी ओलंपिक खेल होते हैं इसमें वर्ल्ड के ना जाने किस कोने से किस कोने तक के जो खिलाड़ी हैं वो खेलने आते हैं। तो ऐसे में मित्रता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विभिन्न विश्व के किसी भी कोने से आए खिलाड़ी आपस में मित्रता, आपसी समझ, आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर इन खेलों को अच्छे से खेल पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सर जी क्या कहना चाहते हो बोल सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब बारी आती है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया, इसकी दो शक्तियां लिखिए। आ जाइए समझते हैं। देखिए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का जो गठन था ये 1927 में हुआ था। ठीक है, जो कि किसके द्वारा किया गया था, भारतीय खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा। इसमें सर दोराबजी टाटा जो थे वो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और सचिव थे डॉक्टर ए जी नोहरेन। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि देश में ओलंपिक आंदोलन को विकसित करना और उन्हें सुरक्षित करना। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाता है भारतीय ओलंपिक संघ की IOA की शक्तियां क्या है। तो पहले तो बात करते हैं इसके सदस्य की। तो सदस्य यूनिट या एसोसिएशन जो संस्था है इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, यानी कि जो भी इसके शक्तियां, पहले तो यही होगी कि जो भी इसमें शामिल सदस्य हैं, जो भी यूनिट है उन सभी के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, कोई उसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही कोई भी खिलाड़ी या फिर कोई भी पदाधिकारी या फिर कोई भी कोच, कोई भी रेफरी जो है वो किसी भी अनुशासन का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन करती है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट थी। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अब देखते हैं इंग्लिश में। तो डिस्क्राइब द ओलंपिक वैल्यूज। ओलंपिक वैल्यूज में सबसे पहले एक्सीलेंस है, फिर रिस्पेक्ट आ जाता है, उसके बाद फिर फ्रेंडशिप आ जाता है। व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्मड एंड राइट इज टू पावर। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था भाई, 1927 में। तो बाकी की बातें यहाँ पर देखिए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से रिपीट हो गया है दोबारा, है ना, चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए यौगिक क्रियाएं यानी कि षटकर्म जो है आपको इसका परिचय देना है और फिर आपको इनके लाभ बताने हैं। तो आइए देखते हैं यौगिक क्रियाएं, जिसे हम शुद्ध क्रिया बोलते हैं। इसमें 6 क्रियाओं के जरिए मनुष्य के सारे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके माध्यम से मानव के स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आंतरिक रूप से वह शुद्धिकरण भी होता है। और इन क्रियाओं का संचालन जो है वो किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो यौगिक क्रियाएं बेसिकली क्या है, यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत 6 प्रकार की क्रियाओं के जरिए मनुष्य के पूरी बॉडी की सफाई की जाती है, यानी कि शुद्धिकरण होता है एक तरीके से, जिसके माध्यम से मानव के स्वास्थ्य में सुधार आता है और आंतरिक रूप से वो शुद्धिकरण होता है। ठीक है, अब इसका लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको समझिए। षटकर्म के लाभ वह है, मनुष्य के शरीर की इससे शुद्धि हो जाती है, उसके जो मुख्य अंग हैं ये सक्रिय हो जाते हैं, साथ ही शरीर के शुद्धिकरण में वो लाभकारी होता है, साथ ही मनुष्य के मस्तिष्क को ये शुद्धिकरण करता है, साथ ही विभिन्न अंगों के विक्षहरण में मदद करता है, इवन विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और रक्त संचालन यानी कि ब्लड जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसको भी और अच्छा बनाता है। ठीक है, तो ये लाभ होते हैं बच्चों षटकर्म के, जो कि आपको यहाँ पर पता चले। ठीक है बच्चों, तो षटकर्म के क्या क्या लाभ हैं अब आप ऐसे समझ जाएंगे। ओके, अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। गिव इंट्रोडक्शन टू कंपाउंड एक्शन षटकर्म एंड राइट देयर बेनिफिट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता देना क्या क्या बेनिफिट होंगे इसके बारे में, और रही बात इसके आंसर की, तो यहाँ पे लिखा हो कि बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ षटकर्म। ठीक है, वेल यहाँ पे जो है आई थिंक हाँ सर मिलते हैं अपनी क्लास में, बिल्कुल अपनी क्लास में मिलेंगे। इट्स यश। ओके, अब यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि सेशन आपका थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन बचते हैं तो तकरीबन 1 घंटा और लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस चीज़ के लिए हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 है इसका मैं पार्ट 2 का एक लाइव लेके आ जाता हूँ 1/2 घंटे बाद में, पार्ट 2 का लाइव क्लास। तो आप सभी बच्चे उस पार्ट 2 के लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जिसमें आपके जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं 24 से लेके 30, ठीक है 24 से 30 आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ 4 नंबर के, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 की लाइव सेशन आपकी जो है मैं बता देता हूँ आपको 3:00
मान लीजिए 15 मिनट पे, ठीक है, 3 बज के 15 मिनट में लेके आ जाऊंगा, आप सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी इस सेशन को अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे की जो अगली सेशन है उसमें मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लाइव जो सेशन है वो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमें इसको यहाँ पे एंड कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मैं पहले एडवांस में बोल देता हूँ, ठीक है, आप सभी को आपके फिजिकल के पेपर के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से पेपर करके आना। बाकी अभी हम तैयारी करेंगे एक और वीडियो के माध्यम से जो कि आपके लिए 3:15 पे आ जाएगी, अभी मैं सेट कर दूंगा, आप ज्वाइन होना जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।